दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित लेख द न्यू बाजार ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस एंड डेली लाइफ और द हिंदू में प्रकाशित लेख सेंटर टू एड ऑफशोर ई कॉमर्स प्ले के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। ई कॉमर्स और बदलता बाजार। अभी हाल ही में दशहरा और दिवाली के मौके पर बाजार में खरीदारी का एक नया माहौल देखा गया। गौरतलब है कि इसमें एक तरफ जहां दुकान और शॉपिंग मॉल में विशेष छूट की व्यवस्था थी, तो दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट व अमेजन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडिया सेल लगा हुआ था। इसमें ग्राहकों ने अपनी सूझबूझ और विभिन्न कैशलेस माध्यमों द्वारा खूब खरीदारी की। इसी क्रम में एक तरफ जहां चीन का बाजार अपने यहां 11 नवंबर को होने वाले सिंगल डे की तैयारी में जोर शोर से जुटा है, वहीं दूसरी तरफ विश्व के कई ऑनलाइन स्टोर भी निकटतम क्रिसमस के मौके पर अधिक से अधिक ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले वर्ष इसी मौके पर $18 बिलियन की बड़ी धनराशि के साथ चीनी कंपनी अलीबाबा सबसे बड़ा घरेलू ऑनलाइन स्टोर साबित हुई। वास्तव में ई कॉमर्स व्यवसाय का एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई व्यक्ति या फर्म इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यापार करता है। इसमें मूल रूप से B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस के व्यावसायिक रूप को देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो पिछले एक दशक में वैश्विक ई कॉमर्स सालाना 20% की औसत दर से विस्तार कर रहा है। इस पर गोल्डमैन सेस जैसे बड़े बैंक 2016 से 20 के मध्य ऑनलाइन खर्च में दोगुना से भी ज्यादा वृद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं। इसमें यूरो मॉनिटर जैसी शोध संस्था का संदर्भ लें तो भारत, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से आगे निकल रहा है, वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों से इसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। अब सवाल उठता है कि बाजार का बदलता यह स्वरूप ग्राहक, व्यापारी और सरकार सभी के लिए कितना लाभकारी है। अधिक स्पष्टता से कहें तो ग्राहक जो सामान ऑनलाइन बुक करता है, क्या वही सामान उसे डिलीवर किया जाता है या नहीं। ग्राहक की निजी जानकारी, अभिरुचि और लेन देन वाले माध्यमों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था है या नहीं। इन ऑनलाइन साइटों पर विक्रेता को पारदर्शी प्रतिस्पर्धा का खुला मंच मिलता है या नहीं। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए कर व्यवस्था व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। आइए बारी बारी से इन विभिन्न पक्षों की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बाजार के केंद्र में खड़े ग्राहक के पक्ष को देखें तो उसके लिए बाजार का यह नया स्वरूप कभी भी, कहीं भी और उसकी मनचाही वस्तुओं व सेवाओं की खरीदारी के लिए सरल और सहज मंच प्रदान करता है। वह नई फैशन के कपड़े, मोबाइल, गैजेट्स, दवाइयां, घरेलू सामान, रेल व हवाई टिकट इत्यादि को भी विभिन्न उत्पादों के मध्य तुलना कर उसकी खूबियों को पसंद करके उसके कॉन्फ़िगरेशन को समझकर खरीदारी कर सकता है और उनमें त्रुटि पाए जाने पर उसे सीमित अवधि में वापस भी कर सकता है। वहीं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी और सरल EMI की व्यवस्था के कारण वस्तु व सेवाओं की खरीदारी की पहुंच अब सभी संपन्न, मध्यम और निम्न वर्ग तक हो गई है। व्यापारियों की बात करें तो उन्हें भी अपना उत्पाद बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार सहजता से सुलभ हो जाता है। इसके लिए उन्हें बड़ी बड़ी दुकानें खरीदने या किराए पर लेने की जरूरत नहीं होती। उन्हें भारी भरकम बिजली बिल या बहुत सारे स्टाफ रखने की आवश्यकता नहीं होती। मात्र इंटरनेट, कंप्यूटर और एक दो कर्मचारियों के साथ कहीं भी एक छोटी सी जगह से व्यवसाय को शुरू करने की आवश्यकता होती है। किंतु यदि अमेरिका और चीन के अमेजन व अलीबाबा की बात करें तो दोनों ही वर्ष 1997 और वर्ष 1999 में बनने के कारण सापेक्षिक रूप से युवा हैं। ये अपने देश में खुदरा बिक्री के साथ साथ साजो सामान, मनोरंजन, विज्ञापन, सेवा एवं विनिर्माण के क्षेत्र में भी फैले हुए हैं। वास्तव में इस ई कॉमर्स के बाजार में आकार का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें डेटा, तकनीकी विश्लेषण और विशेषज्ञता व नेटवर्क इसकी व्यापकता में सहायता करते हैं। जहां तक सरकार का प्रश्न है तो उसके लिए सभी लेन देन ऑनलाइन होने के कारण काला धन व अवैध फंडिंग की मॉनिटरिंग आसान हो रही है।
प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ ऑनलाइन लेन देन के साक्ष्य के कारण उपभोक्ता शिकायत पर कार्यवाही सरल हो गई है। साथ ही आने वाले समय में इस व्यापक उभरते बाजार से वृहद मात्रा में कर संग्रहण की भी अपार संभावना है। तभी तो अभी केंद्र सरकार ने ऑफशोर क्षेत्र में भी ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की बात की है। अभी जबकि मार्च में सरकार ने ई कॉमर्स के खुदरा बाजार में 100% FDI निवेश की इजाजत दी, तो इसके विरोध में खुदरा कारोबारियों के आलोचनात्मक स्वर भी सुनाई देने लगे। इन सब संदर्भों पर व्यापक नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई कॉमर्स को लेकर अमिताभ कांत के नेतृत्व में गत सितंबर माह में एक समिति का गठन भी किया गया है। अर्थात सरकार इस कोशिश में है कि मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड और ई कॉमर्स के लिए पारदर्शी एकीकृत नीति हो, ताकि कारोबारियों के लिए व्यवसाय करना सहज हो, वहीं रोजगार के भी वृहद अवसर सृजित हो सकें। गौरतलब है कि अमेज़न का जहां 14 बृहद बाजारों में ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहीं अलीबाबा का बाजार दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर ब्राजील और रूस तक फैल रहा है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका में जहां वॉलमार्ट अमेज़न को चुनौती देने की कोशिश में है, तो वहीं चीन में अलीबाबा का सामना JD और टेंसेट के साथ भी है। वैसे इस क्षेत्र में दुनिया की कई ई कॉमर्स कंपनियां जैसे नेस्पेर, टाइगर ग्लोबल, फ्लिपकार्ट इत्यादि भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि एक दूसरा पक्ष यह भी है कि भारत जैसे देशों में क्या ई कॉमर्स का बाजार परिपक्व है, क्या खरीदारी की मानसिकता निश्चल है, या वे शिपिंग चार्ज जैसे मामूली लाभ के लिए ज्यादा सामान मंगवाकर उनमें से बहुत सा सामान वापस कर देते हैं। गौरतलब है कि वस्तु स्थिति बदल रही है। उपभोक्ता पहले से प्राप्त सुविधाओं से आगे बढ़कर व्यापक पसंद और पहले की तुलना में अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ मूल्यों में अधिक पारदर्शिता चाहता है। वह दुकानों की यात्रा करने, सामान उठाने व कतारों में खड़े रहने के बजाय घर बैठे ही चीजों को पाना चाहता है, और इसके लिए कंपनियां भी इस मनोवृत्ति को अवसर मानकर बेहतर उत्पादन सुविधा की प्रतिस्पर्धा में जुट गई हैं। अब यदि इन ऑनलाइन खरीदारी में खरीदे गए वस्तुओं की बात करें, तो डिलीवरी के साथ सामान की गुणवत्ता, त्रुटियुक्त उत्पाद होने पर उसका रिप्लेसमेंट या कैशबैक की व्यवस्था और ग्राहकों के प्रति कस्टमर केयर की असंवेदनशीलता इस उभरते बाजार के समक्ष कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं कि जिस तरह ऑनलाइन ऑर्डर की पैकेजिंग, शिपिंग व डिलीवरी को ट्रैक किया जाना आसान है, उसी तरह ऑनलाइन लेन देन कर रहे ग्राहकों के कार्य या खाते संबंधी संवेदनशील जानकारी को साइबर अपराधियों द्वारा ट्रैक कर दुरुपयोग किया जाता है। अतः इन चुनौतियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस संदर्भ में IT एक्ट 2000 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है, तथा IT संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 72A संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी और डेटा के दुरुपयोग को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखता है। यहाँ काबिले गौर है कि आर्थिक लेन देन में साइबर पक्ष को और सशक्त करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी किया है। साथ ही इस संदर्भ में हुए अन्य प्रयास इस तरह हैं। NCIIPC यानी नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, CERTIN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ISEA यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तथा RBI द्वारा जारी अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों का उत्तरदायित्व सीमित करने वाला परिपत्र। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हैकिंग, फिशिंग और रैंसमवेयर साइबर हमलों आदि से बचने के लिए सुरक्षित विंडो, वेरिफाइड वाई वीजा, 2-लेयर सिक्योर लेन देन की प्रणाली का प्रयोग किया जाए। अपने OTP और CVV को किसी भी स्थिति में अपरिचित से शेयर न करें। वहीं यह भी जरूरी है कि डिलीवरी लेते समय ग्राहक उसी वक्त सामान को खोलकर जांच कर लें और इस पूरी प्रक्रिया का साक्ष्य स्वरूप वीडियो बना लें। इसकी स्वीकृति अब ई कॉमर्स कंपनियां भी दे रही हैं। वैसे एक पक्ष यह भी है कि क्या इस तरह के उभरते बाजार के नए स्वरूप से आसपास के छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, बुध बाजार, शुक्र बाजार से जुड़े लोगों के रोजगार के साथ कोई अंतर्विरोध तो नहीं है, क्योंकि खुदरा बाजार अर्थव्यवस्था व बाजार को कई तरह से प्रभावित करता है। बहुत से देशों में यह अकेला सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। अमेरिका में ही 9 में से 1 रोजगार इस क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। तभी तो हाल ही में जब बिग बिलियन डे व ग्रेट इंडिया सेल में महंगे से महंगे ब्रांडेड मोबाइल पर
30 से 40 फीसदी की भारी छूट देखने को मिली तो सीधी प्रतिस्पर्धा छोटे दुकानदारों से दिखने लगी। इसमें चिंता का विषय यह भी है कि इस तरह से पारंपरिक खुदरा दुकानदारों के रोजगार घटेंगे ही और वे व्यवसाय के दूसरे क्षेत्र में जाने को बाध्य हो जाएंगे। यहाँ यह बात भी सही है कि नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, लेकिन यह अवसर पारंपरिक व्यवसाय से बेरोजगार हुए लोगों के लिए कितना अनुकूल होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह बाजार नवीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नवाचारी पक्ष पर भी आधारित है। फिर यदि खरीदारी के लिए प्रयोग होने वाले नो कॉस्ट EMI के प्रचलन की बात करें तो इससे बैंकों के ऊपर आर्थिक नुकसान के साथ साथ अधिक काम का दबाव भी बढ़ने लगा है। यदि थोड़े बड़े व्यापारियों की बात करें तो कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें ऑनलाइन स्टोर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए कई उत्पादकों को अपने उत्पाद पर विशेष छूट देने के लिए बाध्य किया जाता है। जबकि यहाँ यह देखना दिलचस्प है कि अमेज़न और अलीबाबा जैसी नवाचारी कंपनियां खुदरा विक्रेता की श्रेणी में नहीं आती। अमेज़न जहां कार्गो विमान को लीज पर भी देती है, अलीबाबा का कारोबार तो अमेज़न से भी बड़ा है। यह खरीदारी मनोरंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ भुगतान और सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। वैसे किसी भी आदर्श लोकतांत्रिक समाज में अधिकारों की रक्षा व अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए नई बदलती व्यवस्था के अनुरूप खुद को बदलना जरूरी है। भारत जैसे देश के लिए तो यह और भी आवश्यक है कि 21वीं सदी जो एशिया की सदी होने वाली है, इसमें चीन जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धा के लिए इस परिवर्तन को अपने विकास का वाहक बनाए, क्योंकि 21वीं सदी में पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा के बाद उपभोक्ता से जुड़े बृहद डाटा भंडार ही वास्तव में सबसे मूल्यवान संसाधन बनने वाले हैं, जिसके संग्रहण, प्रोसेसिंग व उसका उपयोग विनिर्माता, विक्रेता और उपभोक्ता के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन बाजार की तस्वीर को व्यापक रूप से बदलने में सक्षम है। इस परिप्रेक्ष्य में यह सही समय है कि डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी व स्मार्ट विलेज की अवधारणा को मजबूत करते हुए अवसंरचना को मजबूत किया जाए, ताकि उन्नत परिवहन, सतत बिजली और तीव्र इंटरनेट की पहुंच दूर दराज के गांवों तक हो सके, जिसका अनुसरण करते हुए यह उभरता बाजार अपना वैश्विक स्वरूप धारण कर समाज के हर वर्ग के लिए सुअवसर का माध्यम बने। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, हालिया समय में ई कॉमर्स के बढ़ते बाजार के संदर्भ में चर्चा करते हुए बताइए कि यह किस तरह पारंपरिक बाजार के स्वरूप को बदल रहा है।